हाई गाइज वेलकम टू अकेडमी एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल वाई टी लाइफ सेशन ऑन हाउ टू मैनेज क्लैट एंड बोट्स टुगेदर क्लैट होना और बोट्स होना ये एक ऐसा इशू है जो कि कई सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को परेशान करता है साथ ही खासकर वो एस्पेरेंट जो ट्वेल्थ से ही क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जिनको ये मन उन्होंने Or, किस CLAT और किस तरीके से क्लैट और ट्वेल्थ हम साथ में प्रिपेयर करें ताकि हमारी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बन जाए आज की इस क्लास में हम इन सारे टॉपिक और समझेंगे दैट वट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेरिंग फॉर क्लैट एंड बोर्ड टूगेदर हाई गाइज माई नेम इजयर गर्ग आई एम योर और अन्य मेरा मिशन है आप लोगों की ट प्रिपरेशन को सिंपल और सेंसिबल बनाने का साथ ही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दिव्य कुमार गर्ग सर्च करके जिससे आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाता है तो जल्दी से टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट क्रैकिंग क्लैट एंड बोट्स टुगेदर जब भी बात क्लैट और बोट्स की होती है और साथ में होती है तो पहला सवाल जो कि लाजमी है आप सबके मन में आए कि इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक क्लैट एंड बोट्स टूगेदर तो ये इट इज पॉसिबल तो इसका सबसे सिंपल आंसर होगा यस There are multiple Clat over the past many years which have cracked Clat and boards together. और इस बार जो सबसे अच्छा चीज क्लैट एक्सपीरियंट के साथ हो रही है वो ये क्लैट और बोट्स में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है क्लैट एग्जाम जहाँ पे दिसंबर में खत्म हो जाएगी तो हमारी बोर्ड्स के लिए हमारे पास सफिशियंट टाइम होगा फेबररी मंथ फेबर मार्च अप्रैल में हमारी बोर्ड्स की एग्जाम होने वाली है इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टॉप टेन ए आई आरस ऑफ क्लैट आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर्स फ्रेशर से मेरा मतलब है जिन्होंने पहली बार क्लैट दिया और क्लैट ट्वेल्थ के साथ दिया तो जितने बच्चे ट्वेल्थ के साथ क्लैट देते हैं उनके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होते हैं वी गो बाय द क्लैट रिजल्ट लेकिन क्या इसका मतलब है कि डॉपर के कोई सक्सेस के चांस नहीं है इसका ये मतलब नहीं है बट इसका ये कहने का मतलब है दैट स्टूडेंट्स हु आर जनरली स्मार्ट हु हैव दैट अ डिग्री ऑफ हार्ड वर्क इन देयर प्रिपरेशन दे कैन इजीली सक्सीड बोथ इन देयर क्लैट एज वेल एज इन देयर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम आई टू माई सेल वॉज अ क्लैट एक्सपेरेंट इन ट्वेंटी सिक्सटीन और ट्वेंटी सिक्सटी में मैंने खुद ने अपनी ट्वेल्थ के साथ क्लैट दिया था और इज वेरी श्योर कि मेरे को क्लैट को दो अटैम्प्ट नहीं देने हैं मेरे को क्लैट के लिए ड्रॉप नहीं लेना है आई वॉन्ट टू गो टू लॉ स्कूल एज सुन एज पॉसिबल आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी यही ख्याल रहता होगा ना जैसे तैसे ये क्लैट का एग्जाम खत्म हो और हम जल्दी से जल्दी लॉस स्कूल पहुँचे मेरे मन में भी था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो जैसा होगा मैं दोनों की तैयारी करूँगा आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ अ लॉट विद माई बोर्ड्स और मैं क्लैट से तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा हुआ भी क्लैट में आई गॉट अ डिसेंट रैंक आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी और बोर्ड्स के मेरे परसेंटेज जितने मुझे चाहिए थे उतने नहीं आ पाए बट स्टिल आई अ मैनेड्ड प्लस परसेंट एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर द इंडियन सोसाइटी ठीक है तो अब बोर्ड्स और क्लैट के बीच में हमने पहला सवाल तो देख लिया कि पॉसिबल है आपके सामने जो बैठा है उसने करके दिखाया है कई सारे क्लैट स्टूडेंट्स ने करके दिखाया और हर साल कई सारे क्लैट स्टूडेंट्स करते हैं इनफैक्ट इस साल भी बहुत सारे क्लैट एक्सपेरियंट्स ऐसे होने वाले हैं जो कि क्लैट और बोट्स साथ में क्रैक करने वाले हैं आर यू गोइंग टू बी वन ऑफ दोज इसके बारे में हम बात करेंगे और अब मैं आपको इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपकी क्लैट और बोर्ड्स को साथ में मैनेज करने में मदद करेंगे ऑब्वियसली इफ यू हैव अ स्ट्रेटेजी ऑलरेडी यू नीड नॉट वॉच दिस वीडियो अगर आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है यह वीडियो सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए रेलिवेंट होगा जिन्होंने अभी तक ये फिगर आउट नहीं करा है कि क्लैट और बोर्ड्स को साथ में मैनेज कैसे करना है अगर आपने फिगर आउट ऑलरेडी कर रखा है आईम तो श्योर sure ये वीडियो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन अगर फिगर आउट नहीं कर तो यू कैन वॉच कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट मैनेजिंग बोथ क्लैट एंड एज वेल एज बोट्स टूगेदर है ना तो सबसे पहले तीन क्वेश्चन के आंसर हमको करने होंगे शुड बी प्रायोरिटाइज हाउ मच टाइम टू गिव टू क्लैट इन बोट्स एंड हाउ डू वी गेट द मैक्म टाइम फॉर क्लैट एक एक करके इन तीनों आंसर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और आई एम श्योर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर करते करते हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो कई सारे क्लैट मेंटोर से मानते हैं कि हमें क्लैट और बोर्ड्स के बीच में प्रायोरिटाइज़ करना होगा हमको देखना होगा कि हम क्लैट के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं डू वी रियली वॉन्ट टू गो टू फॉर क्लैट या डू वी रियली वॉन्ट टू गो फॉर ट्वेल्थ बोर्ड परसेंटेज इसमें जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो वी कैन डिटरमाइन कि हम क्लैट को ज़्यादा समय देंगे या बोर्ड्स को ज़्यादा समय देंगे अब पहले के ज़माने में 2022 तक ये सजेशन कितना वैलिड था उसके बारे में तो मुझे नहीं पता बट अब 2023 की क्लैट से ये सजेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है वाई डू वी नॉट हैव टू प्रायोरिटाइज बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट क्लैट एंड बोट्स आर हैपनिंग एट अ सेपरेट टाइम स्केल क्लैट डिसंबर में खत्म हो रहा है और बोर्ड्स हमारी फेबररी टू अप्रैल में खत्म हो रही है क्योंकि दोनों के बीच में एक डिसेंट सा ब्रेक हमको मिल रहा है तो हमको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं है वी कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर क्लैट एज वेल एज फॉर आर ट्वेल्व बोर्ड एंड स्कोर वेल इन बोथ द सब्जेक्ट कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब पे हमको ये देखना पड़ रहा है कि यार हम तो क्लैट की पढ़ाई कर सकते हैं बोर्ड्स की पढ़ाई नहीं कर सकते बोर्ड्स की पढ़ाई कर सकते हैं क्लैट की पढ़ाई नहीं कर सकते ऐसा कोई खास समय नहीं आने वाला हाँ लेकिन दिसंबर तक आपको अपना प्रायोरिटाइज या फिर आपको अपनी प्रायर थिंग क्लैट को बनाना होगी

Mid में एक ब्रेक ले सकते हैं वर्क रैली रैली हार्ड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ इफ यू आर समेड लॉन्ग ब्रेक जिसको तीन महीने हो गए चार महीने हो गए आपके लिए रेलेटिवली चीजें आसान होंगी और यह बिल्कुल नॉर्मल है, है ना? इन एडवांस जिन्होंने पहले से अपनी क्लाइट प्रिपरेशन चालू करी थी उनके लिए ये चीज़ आसान होगी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब सवाल ये आता है कि उसके बाद बचे हुए दो ढाई तीन महीनों में क्या हम बोर्ड्स की तैयारी कर पाएंगे तो इंडिया में कोई भी बोर्ड्स का सिलेबस इतना कठिन नहीं होता कि तीन महीने में उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ये सारे सब्जेक्ट तो बड़ी आसानी से एक डेढ़ महीने में प्रिपेयर हो सकते हैं और जिन लोगों का जिन बच्चों का पी है आई एम श्योर वो लोग थोड़ी पढ़ाई तो थो कर रहे होंगे और अगर आपने ढंग से तीन महीने भी पढ़ाई करी तो पी में भी आप अच्छे परसेंटेज लेकर के आ सकते हो जब भी मैं अच्छे परसेंटेज बोलूँगा आई एम टॉकिंग अबाउट नाइनटी प्लस परसेंटेज है ना अगर आपका टारगेट है कि नहीं हमको तो सेवेंटी टू सेवेंटी लाने बोर्ड्स में तो वो तो बड़ी आसानी से सब बच्चों के बोर्ड्स में आ जाते हैं तो बोर्ड्स हैव बिन रियली जेनरस अबाउट गिविंग परसेंटेजेज़ टू देर स्टूडेंट्स सेकेंड सवाल ये आ सकता है आपके मन में कि क्या बोर्ड्स के परसेंटेज मैटर करते हैं तो हम क्लैट और बोर्ड्स का डिसीजन तब लेंगे जब हमको ये बता दोगे आपकी क्लैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि क्लैट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्लैटली ए आई आर विल डायरेक्टली डिटरमाइन आप किस कॉलेज में जाओगे आप किस कॉलेज में जाओगे वो डायरेक्टली डिटरमाइन करेगा आपके करियर को क्या एन एल यू का आपके करियर पर कोई इंपैक्ट होता है तो ये देर इज अ वेरी डेफिनेट एंड डिटरमिनेटिव इंपैक्ट ऑफ द काइंड ऑफ एन एल यू दैट यू गो टू ऑन योर करियर बट उसका एक बहुत ज़्यादा इनटेंजिबल अनविजिबल इंपैक्ट होता है ऑन द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट यू बिल्ड द बेटर एनएल यू दैट यू गो टू द बेटर योर पेयर्स आर बिकॉज दे हैव गॉटन अ बेटर रैंक एंड देर फॉर योर पर्सनैलिटी विल डेवलप मोर इफ यू गो टू अ बेटर एन एल यू एंड ओवर टाइम वो आपके करियर में कई सारे ऐसे एडवांटेज देगा जो कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपकी एनएल यू कंडीशनिंग की वजह से आपको मिले तो येस देर इज अ डेफिनेट एडवांटेज इन गेटिंग अ बेटर क्लैट रैंक क्लैट रैंक वन थाउजेंड इज ऑलवेज बेटर देन क्लैटरिंग टू थाउजेंड एंड क्लैटरिंग फाइव हंड्रेड इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन क्लैटरिंग वन थाउजेंड ये तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट होगा कि येस देर इज अ गोइंग टू बी एन एडवांटेज इन दिस केस सेकेंड अगर एडवांटेज है तो फिर आगे क्या करना है हमको तो देखो यार नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट देर इज एन एडवांटेज ट्वेल्थ बोर्ड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अब ट्वेल्थ बोर्ड्स के परसेंटेज की रिलेवेंस खत्म होती जा रही है एंड वाई आई सेग सो बिकॉज यू नो दैट वी हैव एन एग्जाम कोल्ड सी यू ई टी

सिक्सटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट इन एनी एग्जाम दैट यू सेट इवन इन द फ्यूचर अगर फ्यूचर में आप लॉ करने के बाद किसी और एग्जाम में बैठना चाहते हो आप कैट करना है या कोई और एग्जाम करना है तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हो है ना और उसके लिए आपको एक क्वालिफाइंग नॉट गोइंग टू बी नाइनटी परसेंट कोई एग्जाम में नाइन्टी परसेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होता फोर्टी फाइव सिक्सटी ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है तो की परसेंटेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हैविंग सेट दैट हमारे पास सफिशियंट टाइम होगा ट्वेल्थ के परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी ठीक है तो प्रायोरिटाइज़ करना है या नहीं बोथ यस एंड नो यस बिकॉज हमको अभी के महीनों में प्रायोरिटाइज करना होगा क्लैट को समय ज़्यादा देना होगा और नो no, क्योंकि हमको ऐसा नहीं करना कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो इफ़ योर प्रायोरिटाइजेशन मीन्स कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज इज नॉट नेसेसरी बट हाँ प्रायोरिटाइज हम डेफिनेटली कर सकते हैं सेकेंडली अब अगर हमने ये सीख लिया है कि हमको प्रायोरिटाइज़ करना है तो हाउ मच टाइम शुड बी वी गिविंग टू क्लैट एंड बोट्स क्लैट और बोट्स को हम कितना समय देने वाले हैं तो देखो गाइज क्लैट को हम कितना समय देंगे और बोट्स को कितना समय देंगे उसके लिए एक चीज़ देख लेते हैं कि बोट्स से मतलब क्या होता है देखो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं भी देंगे लेकिन बोर्ड्स के बच्चों को जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको स्कूल जाना होता है एंड जनरली गोइंग टू स्कूल एंड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टेक्स अवर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पर ट्वेल्थ का ट्वेल्थ की क्लासेस सिर्फ तीन या चार घंटे चलती है कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको छः छः घंटे क्लास में लग जाते हैं दो घंटे ट्रैवल में कर जाते हैं और दो घंटा आप थक जाते हो तो स्कूल इज़ अ टेन आवर कमिटमेंट तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्कूल दैट यू गो टू द नंबर ऑफ आर्स यू आर स्पेंडिंग इन योर ट्वेल्थ एजुकेशन विल सिग्निफिकेंटली डिफर अगर आपके पास अभी ऑप्शन है या आप इलेवेंथ में हो आप ऐसे किसी ट्वेल्थ बोर्ड के स्कूल में जा सकते हो जहाँ पे आपको कम से कम समय लगता हो वहाँ पे आपके लिए जाना ज्यादा सही होगा अब एक और मिस्टेक जो कि मैं देखता हूँ कई सारे क्लाट स्टूडेंट्स करते हैं इस <coughs> दैट दे डू नॉट फोकस अ लॉट ऑन देयर स्कूल एजुकेशन और स्कूल के समय वो पढ़ाई नहीं करते हैं और स्कूल के बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं तो वो पी सी एम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं पी सी एम वो ट्यूशन पर भी पढ़ रहे हैं और फिर घर आके ट्यूशन का होमवर्क भी कर रहे हैं और फिर उनके पास क्लैट का समय नहीं बचता है ना प्लीज आर डोंट डू दिस है ना दैट इज़ समथिंग दैट इज अ सेट रेसिपी फॉर डिजास्टर अगर आप ट्वेल्थ में स्कूल जा रहे हो तो देट शुड बी सफिशियंट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन आप उसके अलावा ट्यूशन या कोचिंग जाना ट्वेल्थ के सब्जेक्ट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऑलरेडी स्कूल जा रहे हो तो आपके पाँच से छः घंटे स्कूल में लग रहे हैं अगर उसके बाद आप कोचिंग जाते हो तीन से चार घंटे आप वहाँ पर बिता दोगे तो यू विल नॉट बी लेफ्ट विद इनफ कैपेसिटी और इनफ इनफ अपॉर्चुनिटी टू डिवॉट टू क्लैट क्लैट के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा है ना तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कई सारे बच्चों में मैं देखता हूँ तो अगर किसी के पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कोचिंग ट्यूशन जाने के लिए ट्वेल्थ के सब्जेक्ट के लिए तो आप देख लो यार अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो उनको ये वीडियो दिखा दो और कन्विंस करने की कोशिश करो कि यार ट्वेल्थ के साथ साथ अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्लैट mm -hmm. के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा सेकेंडली अगर आप ट्यूशन जाते हो ट्यूशन जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यार इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्लैट स्कूल में जो हमको पढ़ाया जा रहा है ना उस पर ध्यान दें अगर आप स्कूल पे ध्यान नहीं दे रहे हो तब आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है बिकॉज आई एम श्योर आपके स्कूल में डि, डिसेंटली पढ़ा देते होंगे है ना और अगर आपके स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं देन इट्स टाइम टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर स्कूल कि आप स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो अगर स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही तो फिर यू मे हैव टू कम टू अंडरस्टैंडिंग विद द स्कूल दैट यू मे नॉट बी अटेंडिंग द स्कूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ द थर्ड क्वेश्चन ही हाउ डू वी अच्छा वो क्लैट को कितना समय देना है देखो क्लैट को मिनिमम तीन घंटा हमको देने होंगे और हम पाँच से छः घंटे भी उसको दे सकते हैं तो ये आपको फिगर आउट करना है तीन घंटे विल बी द वेरी मिनिमम दैट यू विल बी डिवोटिंग टू क्लैट तीन से कम घंटे अगर आप क्लैट को दे रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक क्लैट यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस इन ऑर्डर टू क्रैक क्लैट है ना लेकिन हाँ अगर आपने तीन घंटे से ज़्यादा दिए हैं या तीन घंटे दिए हैं तो देर इज अ वेरी वेरी, वेरी गुड चांस कि आप क्लैट क्रैक कर लोगे गिवन दैट कि आप ये टाइम डेली दे रहे हो तीसरी चीज़ जो होती है कि हाउ डू वी गेट द मैक्सिमम टाइम फॉर क्लैट हम क्लैट के लिए मैक्सिमम टाइम कितना निकाल सकते हैं तो देखो निकालने के लिए आपको ये करना होगा यू विल हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स फर्स्टली यू कैन गो एंड स्पीक टू योर स्कूल एंड गेट इन टू एन अरेंजमेंट विद एम दैट ए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या वो आपको अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं क्या सेकेंडली इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट पॉसिबल आपका स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस रूल को पूरी तरह से फॉलो करता है तो दूसरी चीज़ जो आप ये कर सकते हो इज अंडरस्टैंड दैट द सी बी एस ई हैज़ समथिंग ऑलवेज एवंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस रूल बिज इज मोर ऑल इज द सेम फॉर ऑल अदर बोर्ड्स तो सी बी एस ई में आपको सिर्फ सेवेंटी फाइव परसेंट स्कूल अटेंडेंस चाहिए होती है आई एम श्योर अभी आपने जुलाई अगस्त के मंथ में काफ़ी सारी अटेंडेंस आप काफ़ी दिन स्कूल गए होंगे आपकी अटेंडेंस लगी होगी तो आप अपने स्कूल से अपनी अटेंडेंस पता कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हो दैट देर इज़ अ वन डे अ वीक जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो चलेगा अगर आपका सेवन डे अगर हम ये देखें कि दो हफ्ते में बारह दिन क्लासेस लगती है दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू के टेक अ टोटल ऑफ थ्री डेज ऑफ हॉलीडे तो एक हफ्ते आप एक हॉलीडे ले सकते हो दूसरे हफ्ते आप दो हॉलीडे ले सकते हो तो अगर हम दो हफ्ते का पीरियड देखेंगे तो विल हैव टू संडेज एंड थ्री अदर हॉलीडेज़ तो आपके पाँच दिन चौदह में से आप पाँच दिन स्कूल नहीं जाओगे तो चल जाएगा येस गाइज एंड दैट इज़ कम्प्लीटली लीगल कम्प्लीटली ऑन द बुक क्योंकि सी आपको अलाउ करता है सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस के साथ ट्वेल्थ बोर्ड में अटेंड करने से और अगर क्लोजर टू क्लैट आप कुछ दिन स्कूल नहीं भी जाते हो तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम्पलीटली फाइन क्योंकि आप यू कैन मेक अप फॉर योर अटेंडेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेरवरी बाई गोइंग टू स्कूल रेगुलरली ठीक है तो ये चीज़ आप कर सकते हो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चौदह में से नौ दिन ही आपको स्कूल जाना है तो दैट इज़ अ ग्रेट डील आप काफी लंबा समय आपको छुट्टी होकर मिल सकते हैं और इन समय आप ऐसे तैयारी कर सकते हो एज इफ यू आर अ ड्रॉपर

सिंपल टिप्स जो आपको प्रोबेबली हेल्प करेगी इसके अलावा इन टेकिंग द मैक्सिमम टाइम फॉर क्लैट इज दैट ए यू कैन टेक मैं अपने स्कूल के समय ये किया करता था मैं अपनी कई सारी क्लैट की बुक्स को स्कूल ले जाया करता था कई सारे लेक्चर्स ऐसे होते थे जहाँ पे बोर हो रहे होते थे तो हम वहाँ पर क्या करते थे मैं ये पर्सनली काफ़ी बार करता था कि मैं अपने कुछ आर से रीडिंग कॉम्परेशन के पैसेज सॉल्व कर लेता था कुछ लीगल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती कुछ ऐसे लेक्चर थे जहाँ पे आप स्किप कर सकते हो या फिर आप पीछे की बेंच पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो अब बोलोगे अरे ये तो क्या आप यूट्यूब पर आके ये अकेडमी का टीचर क्या सिखा रहा है बट अगर आपके स्कूल में आपको क्लैट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है तो दिस इज समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग यू कैन डू है ना तो आप ये चीज़ें कर सकते हो एंड गिवन दैट इसमें हम किसी स्कूल टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है है ना कुछ अच्छा काम का पढ़ाया जा रहा है तो उसको पढ़ना है बट अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर है जहाँ पर बिल्कुल फ्री पीरियड है आपका फ्री पीरियड में आप ये सारे काम डेफिनेटली कर सकते हो तो आई ऑलवेज यूज़ टू इंश्योर कि मैं कोई ना कोई किताब अपनी क्लैट की स्कूल में ले जाऊं ताकि लंच में थोड़ा बहुत समय जो मिलता है कभी कोई फ्री पीरियड मिल जाता है हमारे स्कूल में जनरली एक दिन में एक फ्री पीरियड हमको मिल जाता था तो आपके भी आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसे पीरियड्स तो रहते होंगे जहाँ पे आपको फ्री पीरियड मिलेगा फ्री पीरियड में आप अपने क्लैट की तैयारी को थोड़ा बहुत स्कूल के समय कर सकते हो या स्कूल में अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है कई सारे बच्चों की जर्नी बस में एक घंटे की होती है तो अगर आपके पास सुबह एनर्जी है शाम को एनर्जी आते वक्त तब भी आप अपनी क्लैट की तैयारी को थोड़ा सा कर सकते हो विद इन विद द स्कूल है ना तो हमने दो चीज़ें देखी कि एक तो फ्री पीरियड को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं हम थोड़ी सी अटेंडेंस को हैक कर सकते हैं बाय नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर थ्री डेज इन अ टू वीक्स स्पेंड दैट कैन रिजल्ट इन अस गेटिंग बेटर बेटर मोर टाइम फॉर क्लैट तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई हो उसके अलावा बाकी आप लोगों के मैं सारे क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ उसके अलावा कुछ चीज़ें और है जिस पर हमको बात करनी है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन सर्टन डेज वी आर गोइंग टू स्कूल ऑन सर्टन डेज वॉट ऑल शुड बी डू एट अनीमम स्केल है ना हमको मिनिमम क्या करना है तो हम इसको दो तरह के डेज में डिवाइड करते हैं एक डे तो होगा हमारा स्कूल डे और एक होगा हमारा नॉन स्कूल डे ठीक है तो नाइन डेज आउट ऑफ फोर्टीन स्कूल डेज फाइव डेज आउट ऑफ फोर्टीन नॉन स्कूल डे स्कूल डे में आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल बी गिविंग अराउंड थ्री आवर्स टू योर क्लैट तीन घंटे तो आप क्लैट को कम से कम दे रहे होंगे इसमें यू विल हैीड न्यूज पेपर फॉर अराउंड फोर्टी फाइव मिनट्स ठीक है यू विल टू अटेंड यूर क्लासेस क्लासेस आप कोशिश करो कि आप एक घंटे ही अटेंड करो एक घंटे से ज़्यादा आपको क्लास अटेंड नहीं करनी होना स्कूल डे और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी होगी फॉर वन आवर फिफ्टीन मिनट्स इस प्रैक्टिस में आप क्या करोगे इस प्रैक्टिस में आप क्रिटिकल uh, रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे एक दिन और एक दिन आप क्वांट और लीगल की प्रैक्टिस कर सकते हो तो वन डे आप कोई भी चार सब्जेक्ट में से कॉम्बिनेशन बना लो उन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कर सकते हो ठीक है अब अगर आपके पास नॉन स्कूल डे है नॉन स्कूल डे पे आप मेरे हिसाब से यू कैन गिव अराउंड एट आवर्स है ना क्योंकि आपके स्कूल के भी पाँच घंटे बचेंगे तो वो पाँच घंटे आपको पूरे के पूरे क्लैट प्रिपरेशन को अपने देने हैं अब ये आठ घंटे का समय जो होगा ना इसमें से भी नॉन स्कूल डे दे में देर विल बी अ मॉक डे है ना तो दो या तीन डे हम मॉक देंगे और कुछ दिन हम मॉक नहीं देंगे जिस दिन हम मॉक दे रहे हैं तो मॉक को दो घंटे हमारे हम मॉक देने में लगाएंगे और दो घंटा हम एनालिसिस करने में लगाएंगे ठीक है उसके अलावा दो घंटे की हम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं दो से तीन घंटे की और प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी के दो घंटे जिस दिन हम मॉक नहीं दे रहे हैं उस दिन हमको क्या करना है हम ये मॉक और एनालिसिस वाला टाइम वापस से प्रैक्टिस वगैरह को दे सकते हैं और हाँ हमको न्यूज़पेपर करना होगा तो आ, वी कैन डू लेसर प्रैक्टिस ऑन सम डेज ऑफ न्यूज़ पेपर भी हमको पढ़ना पड़ेगा तो दिस आर समिंग दैट यू शुड डू वेल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट है ना और अगर आप स्कूल की तरह प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी होगी अब उसके अलावा सवाल ये आता है कि यार ये सब तो समझ में आ गया बट हमारे स्कूल में न प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं उसका बड़ा प्रेशर बनाते हैं हमारे स्कूल में ना आ, हाफ ईयरली एग्जाम होती है उसका बहुत प्रेशर होता है यार अब ऐसी कोई भी एग्जाम ऐसा कोई भी टेस्ट जिसका अल्टीमेट बोर्ड के रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ रहा उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा है ना अब आप अगर सोचते हो कि हम क्लैट में भी अच्छा स्कोर कर ले हम बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर ले यहाँ तक पॉसिबल है लेकिन क्लैट में भी कर लें बोर्ड्स में कर ले प्री बोर्ड्स में भी कर ले इतना पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा अगर आपने बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन नहीं करी अगर आपने एलेवन से प्रिपरेशन करी है तो ठीक है लेकिन अगर आपने इलेवन से प्रिपरेशन नहीं करी है और अभी लेट प्रिपरेशन अपने स्टार्ट करी है तो इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी एंड दैट इज़ एज़ ब्लंट एज़ आई कैन गेट ओके okay, तो आपको क्या करना होगा प्री बोर्ड्स हाफ़ ईयरली एग्जाम इफ दे डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट यू विल हैव टू इग्नोर देम यस एज अजीब एज इट मे साउंड आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा उनको पकड़ करके रखने से कि यार इनको तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ठीक है तो प्री बोर्ड्स हाफ़ ईयरली दिस विल नॉट काउंट स्कूल वाले थोड़ा प्रेशर बनाएंगे उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम उसको किसी भी तरीके से हम पर हावी नहीं होने देंगे दिज आर सम थिंग्स दैट यू शूड इंश्योर इफ़ यू वॉन्ट टू मैनेज योर क्लैट एंड बोट्स टूगेदर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा इस तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम दिव्य कुमार गर्ग आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा एक चैनल मिलेगा आपको और आप उसको जॉइन कर सकते हो वहाँ पर आपकी जो भी डाउट हो आप वो 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 सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो तो सर्च दिव्य कुमार गर्ग ऑन टेलीग्राम एंड विल भी एबल टू फाइंड मी नाउ वट एवर योर डाउट्स आई विल भी टेकिंग योर डाउट्स आपके जो जो डाउट्स आपने पूछे हैं यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में वापस से आप पूछ सकते हो और मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा आयुष आयशा का डाउट है सर क्वांट्स के बेसिक भी मेरे ख़राब है हाउ टू इम्प्रूव आयशा क्वाट्स के अगर बेसिक खराब है तो अनअकेडमी पर एक श्याम सर पढ़ाते हैं है ना यू कैन गो टू माय प्रोफाइल माय चैनल वहाँ पे आपको श्याम सर की लिंक कोई को भी शेयर कर देगा एंड यू कैन डू हिज क्लासेस हिज क्लासेस आर रेली गुड फॉर द बेसिक्स ऑफ क्वांट जिसके भी वीडियो देखती हूँ क्वांट्स के थे दे वी लाइक तो अपने पढ़ा है तो ये नहीं बताऊँगा इन ऑल नहीं नहीं आयशा दे आर सम कोर्सेज विच स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कई सारे जो है ना वो बेसिक से चालू होते हैं शाम सर के भी कुछ कोर्स है जो बेसिक से चालू होते हैं तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आएंगे अननोकिंग सर इफर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सपेरियट हाउ मनी टाइम इज हाउ मच टाइम अगेन इफ यू आर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सपेरियंट इफ यू गिव अराउंड थ्री आवर्स एवरी डे स्टार्टिंग टूडे इवन दैट इज सफिशेंट वो भी सफिशियंट होगा लेकिन हमको तीन घंटे हर दिन कंसिस्टेंटली देने द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ क्लैट एक्सपेरियंट मेक इज दैट दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद द स्टडीज इफ यू गेट कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज यू आर गोइंग टू एस योर क्लैट है ना आप बढ़िया से क्लैट को एस कर सकते हो श्रेया अब अगर आपका क्लैट का एग्जाम भी दिसंबर में हो कॉलेज कॉलेज का एग्जाम भी दिसंबर में में तो प्रोबेबली आपको की कुछ में जो री एग्जाम होती है हर कॉलेज में होती है सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है उनमें बैठना पड़ेगा यू विल हैव टू नाउ डिसाइड दैट आर यू श्योर कि आप क्लैट से ही किसी कॉलेज में जाने चाहते हो उस केस में आपके इस पर्टिकुलर कॉलेज के एग्जाम का कोई सेंस नहीं बचेगा तो वी कैन नॉट बी सिटिंग इन टू टू बॉट्स एट द सेम टाइम हम दो अलग अलग बॉट्स में बैठ नहीं सकते ना एक ही समय पे बहुत बड़ी दिक्कत देती है हमको राइट सर एलेवेंथ में मैंने स्कूल टॉप किया था जिसकी वजह से स्कूल से बहुत ज़्यादा प्रेशर है टीचर्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सर वो पढ़ाऊँगी तो इसके लिए टाइम नहीं होता है हाँ आयशा तो विल हैव टू टेल द टीचर्स दैट आई अंडरस्टैंड आपकी एक्सपेक्टेशन है बट मुझे कोई सेंस नहीं दिखता आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आप उनको भी बिठा करके समझा सकते हो कि देखो क्लैट है क्लैट से मेरा कॉलेज डिटरमाइन होगा ट्वेल्थ के बोर्ड्स के आप बता दो कि इसके परसेंटेज का मैं लेकर के क्या करूँगी वो लोग आपको ये आर्ग्यूमेंट जरूर दे सकते हैं कि क्लैट का क्या है क्लैट तो अगले साल फिर होगी अगले साल छः महीने बाद दे देना लेकिन यार ये हमेशा याद रखना कि एक साल बिगाड़ लोगे आप अपना और एक साल बिगाड़ लोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट इनफ टाइम जिसमें आपके जो आसपास वाले हैं जो क्लैट आपके साथ दिए वो आगे निकल जाएंगे आपसे यस वेदूस डेफिनेटली पॉसिबल है क्लैर क्रैक करना अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो भी यस नॉकिंग दिस इज गोइंग टू बी ओके Alright guys, now I will tell you a few things about Unacademy. सबसे पहले तो अन अकेडमी प्लस पे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ जैसे सीए लीगल एंड लॉजिकल इससे आपकी सीए लॉजिकल लीगल के साथ साथ इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है साथ ही में मिशन एन बैच कल से शुरू हो रहा है तो अगर आपको अभी से अपनी क्लैट प्रिपरेशन करनी है जैसे आयशा आपको अभी से क्लैट प्रिपरेशन करनी है या अनोकिंग अभी आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच मिशन एन ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए आपको अन का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा तो अन का सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त आप दिव्य कुमार गर्ग कोड यूज़ कर सकते हो और इससे आपको मिल जाएगा ट्वेंटी डिस्काउंट है ना अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है तो इट विल गिव यू अराउंड ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ठीक है इफ़ यू आर अ क्लाड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टूडेंट तो आप सक्सेस एन बैच को ज्वाइन कर सकते हो ये सेप्टेंबर एट से चालू हो रहा है है ना यस yes. uh, यथार्थ तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखोगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने यही सारी चीजों पर डिस्कशन करा है ओके एंड यू कैन एस योर प्रिपरेशन विद टॉप एडुकेटर दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल सिक्सटीन सेप्टेंबर ये सिक्सटीन सेप्टेंबर यानी कि परसों तक वैलिड है अनलॉक का ऑफर इसमें आप एन यू कोड भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना है तो आप इस कॉलेज का कोड लगा सकते हो मेरा कोड लगा सकते हो और आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा है ना ऑल राइट गाइज सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास लेट्स क्लैट इट अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट हैव अ ग्रेट डे एंड वी विल मीट अगेन एंड एट द सेम टाइम प्लीज इंश्योर कि आप दिव्य कुमार कर सर्च करके टेलीग्राम पे आ रहे हो और मुझसे जो भी आपके डाउट हो यू कैन आस्क है ना यस आर नॉकिंग वी विल बी कम्प्लीटिंग इट इन क्लास हमने ऑलरेडी टॉर्च कर लिया है वी आर ओन आर वे टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स कोर्स तो वी विल बी कम्पलीटिंग इट हम आराम से कम्प्लीट कर लेंगे राइट हैव अ ग्रेट डे गाइज एंड सी यू सून आई विल सी यू सून इन द क्लास